जनपद पंचायत रतलाम ग्रामीण जिला रतलाम की ओर से समस्त देशवासियों को दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छु जनपद पंचायत रतलाम ग्रामीण जिला रतलाम मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दीपावली पर्व को हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हुए नजर आए। दीपावली के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री ने सपरिवार मां लक्ष्मी की विधि विधान के साथ सीएम निवास में पूजा अर्चना की और समस्त प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और वैभव के लिए प्रार्थना की है। साथ ही मुख्यमंत्री ने पत्नी साधना सिंह के साथ भारतीय संस्कृति के अनुसार देहरी पर मांडना भी बनाया और सभी देशवासियों से आग्रह करते हुए कहा है कि हमारी संस्कृति में पर्वों और उत्सवों पर साज सज्जा के लिए मांडना बनाने की परंपरा रही है। मांडना शुभ और मंगल का प्रतीक होता है। आप भी भारतीय संस्कृति की इस सुरुचिपूर्ण परंपरा को बनाए रखने के लिए अपने घर आंगन में मांडना जरूर बनाएं। इससे हमारी परंपराएं जीवंत रहेंगी और मांडना की कला को भी प्रोत्साहन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए राज्य के मंगल भविष्य और विकास की कामना की है। टाइम ईट मध्य प्रदेश के लिए भोपाल की ब्यूरो रिपोर्ट। जनपद पंचायत रतलाम ग्रामीण जिला रतलाम की ओर से समस्त देशवासियों को दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छु जनपद पंचायत रतलाम ग्रामीण जिला रतलाम मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दीपावली पर्व को हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हुए नजर आए। दीपावली के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री ने सपरिवार मां लक्ष्मी की विधि विधान के साथ सीएम निवास में पूजा अर्चना की और समस्त प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और वैभव के लिए प्रार्थना की है। साथ ही मुख्यमंत्री ने पत्नी साधना सिंह के साथ भारतीय संस्कृति के अनुसार देहरी पर मांडना भी बनाया और सभी देशवासियों से आग्रह करते हुए कहा है कि हमारी संस्कृति में पर्वों और उत्सवों पर साज सज्जा के लिए मांडना बनाने की परंपरा रही है। मांडना शुभ और मंगल का प्रतीक होता है। आप भी भारतीय संस्कृति की इस सुरुचिपूर्ण परंपरा को बनाए रखने के लिए अपने घर आंगन में मांडना जरूर बनाएं। इससे हमारी परंपराएं जीवंत रहेंगी और मांडना की कला को भी प्रोत्साहन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए राज्य के मंगल भविष्य और विकास की कामना की है। टाइम ईट मध्य प्रदेश के लिए भोपाल की ब्यूरो रिपोर्ट।